लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग से कैंसर का खतरा होता है, स्मोकिंग से मौत हो सकती है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये फिल्म पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये अलौकिक मान्यताएं या प्रथाओं का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करती है। Thank you.
ने तो कहा आपकी गाड़ी खराब हो गई है, पर ये तो एक्सीडेंट जैसा लग रहा है। क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे प्लीज? टॉयलेट जाने के लिए इसकी क्या जरूरत? हाथ में क्रॉस लेके टॉयलेट करने जाओगे क्या? छी। मुझे जानवरों से डर नहीं लगता, पर भूतों से पंगा नहीं ले सकता, इसीलिए क्रॉस लेकर जा रहा हूँ। इसका कुछ नहीं हो सकता। शो ऑफ तो बहुत करता है। हाँ, और हर वक्त मुझ पर चिल्लाते रहता है। जानवरों से भी डरता है। मेरे साथ चलो ना। अबे पागल है क्या, मैं तेरे साथ क्यों आऊं? प्लीज चलना यार। लेकिन मुझे तो नहीं आए ना। अरे वहाँ चल के सिर्फ खड़े रहना। इधर आ, जरा इधर। हाथ में क्रॉस है फिर क्यों डर रहे? अगर हिंदू भूत आ गया तो? माजोट, एक नंबर का फट्टू इंसान है, चला गए। राजीव गुस्से में लग रहा है। कैसे ना हो, सो रहा था बेचारा। हाँ, वो भी घोड़े बेचकर। हो गया तेरा? नहीं यार। हो गया? नहीं। अरे अब क्या मैं तुझे लाइव अपडेट देता रहूं? मैं तो बस पूछ रहा था। हो गया तो आ जाऊंगा, यहाँ रहने नहीं आया हूँ। इसकी माँ की भूत। डर गया ना? वो तेरी परछाई है और कुछ नहीं। चला उठ भी जा। मेरा हाथ टूट सकता था यार। अबे चलना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अबे रुक। अबे ज्यादा हंस मत, समझा ना। कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे दोनों। सुनो ना, पानी की बोतल दो ना। हाँ, ये लो। इसकी तो ठीक से टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। तुम्हें देखना चाहिए था कैसे फट गई उसकी। ऐसा क्या किया तुमने? अरे वो खड़ा था और अपनी परछाई देखकर डर गया और डर के मारे नीचे गिर गया। एक नंबर का फट्टू है। सुबह तो हमने यही रास्ता लिया था। दिनों से मैं ट्रिप पर जाना चाहती थी।
अगले ये बस वाले भी कितनी रैश ड्राइविंग करते हैं। क्या हुआ, मरते मरते बचे क्या? ए, कहाँ हैं हम लोग? तू चुपचाप सो जा। ऐसी जगह पर बस यही सब हो सकता है। गाड़ी चलाना आता नहीं, बस चला रहे। और क्या, गाड़ी तो ये लोग ऐसे चलाते हैं जैसे सड़क इनके बाप की हो। बस ना हो गई, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। कहाँ हैं हम लोग? और कहाँ, हाईवे पर। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों को बिठा लेते हैं, ये तो कुछ नहीं। ध्यान से, ध्यान से। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? तू तो जान लेके रहेगा। पता नहीं कहाँ देख के गाड़ी चला रहा था वो। बाप रे, इस तरह कोई गाड़ी चलाता है? अरे ठीक है, चुप रहो ना तुम लोग। हम लोग की जान लेके मानेगा? मुझे भी मरने का शौक नहीं है। पता है गाड़ी खाई में गिर सकती थी, पर गिरी नहीं ना। नितेश गाड़ी पीछे ले, जल्दी कर भाई, अब भी उसके अकल ठिकाने लगाते हैं। छोड़ना, हम लोग शादी के लिए लेट हो जाएंगे। शादी वादी का छोड़, हम लंच तक तो पहुंच ही जाएंगे। गाड़ी घुमा। मैं ही पागल हूँ कि तुम लोगों के साथ आने के लिए हाँ कह दिया। चुप रहो भाई, तू गाड़ी घुमा, चल। देख के नहीं चल सकता अंधे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। अरे चुप ना, चुपचाप निकल, चल। भाई तेज चला। छोड़ ना भाई, दिख भी नहीं रहा है, शायद ज्यादा दूर निकल गया होगा। ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना। अरे तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ। इन सब चक्करों में मत पड़ो। अरे यार छोड़ ना, हम लोग पहले ही शादी के लिए लेट हो चुके हैं। गाड़ी भगा, ओवरटेक कर उसको, पकड़ यार, ब्लॉक कर उसको, चल 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 जल्दी। एक रुका क्यों मेरे को? बहुत गर्मी है तेरे में। अरे बस करो भाई, क्यों लड़ रहे हो? हमारी गलती नहीं है, शांत रहो। शांत हो जाओ ना। अबे गाड़ी हाई में चला रहा है, गाड़ी में से बात कर रहे हैं। आओ शर्मा, तुम चला गए, बच गया। यही कार्ड का चल, गाड़ी का नंबर ढंग से गाड़ी चला। ले ले ले, कहीं से चुप नहीं आ रहा तो मान ले रहा हूं। चल चल चल, बात कर रहा है मेरे से। ए तू चुप बराबर चला रहा हूं। निकल यहां से, चल निकल, चल चल निकल यहां से। बच गया, तुम समझे कर रहे हो? हां हां चल, तुम लोग जाओ ना भाई। ड्राइविंग क्या होती है? हां ले ले, निकल चल निकल। हां ले ले, चल 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 निकल। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है, बहुत ज्यादा बोल रही है। चारों मिलके मेरे को धमकी दे रहे हो ना? देखो देखो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उड़ क्या रहा है बे? बैठ, तेरे बाप की सड़क है क्या? सीधा खाई में गिरेगा ये जाके। चला गया, चलो छोड़ो, गाड़ी में बैठो। कितना बदतमीज आदमी था यार, बात करने की तमीज नहीं। सुबह दिमाग की दे कर दी, नहीं तो क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ। चलो ऐसो को लाइसेंस कैसे मिल जाता है, समझ नहीं आता मुझे। पता नहीं खुद को क्या पूरे मूड की करके रख दिया, जैसे उनके बाप का रोड समझते। नहीं तो क्या, ऊपर से धमकी दे रहा था, बकवास कर रहा था, लोकल है ऐसा बोल रहा था। मन तो कर रहा था उसके दांत ही तोड़ दो, अपने बाप का रास्ता समझ रहा था। यहाँ का लोकल ड्राइवर है ना, इसलिए ज्यादा उछल रहा था, इसीलिए तो सबसे दादागिरी करता है। और नहीं तो क्या, यहाँ के लोकल गुंडे होंगे और क्या।
गुंडे होंगे तो क्या कुछ भी कर लेंगे? पता नहीं तुमने पीछा ही क्यों किया। हमें शादी में जाना था ना, इसलिए ये बच गया, वरना आज तो ये गया था काम से। अरे यार अब बस भी करो। भाई होगा अपने घर का वो। शांत हो जाओ। सामने से एक और आ रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? इसकी तो मैम। तू साइड मत देना, वो खुद ही साइड हो जाएगा। अरे इसकी तो लाइन पे आया ना बराबर। क्या कर रहे हो नीतीश? यार उसमें लोग बैठे हुए थे। तुम चुप करो, नीतीश ने सही किया है। क्या जरूरत थी इन सब? जब तक इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे ना सुधरेंगे नहीं। और क्या, मैंने कहा था ना तुमसे। ढंग से क्यों नहीं चलाते? अरे कुछ हो जाता तो। उल्लू बाहर खड़ा रह के क्या कर रहा है? बस टाइम वेस्ट करना है, ये हमेशा ही देर करता है। डोंट वरी, मैं तेज चलाऊंगा। चल जल्दी बैठना। हाँ हाँ बैठ। यार किसकी राह देख रहा था? दो मैं रख देती हूँ। अरे दरवाजा तो ठीक से बंद कर। हाँ हाँ कर रहा हूँ। दरवाजा तोड़ेगा क्या? इस भाई साहब को देखो, बम ब्लास्ट होगा तब भी ये जागने वाला नहीं है। तुम जल क्यों रहे हो? हाँ अच्छे से नींद नहीं आती इसीलिए। वाली जीपी लग रही है ना? हाँ लग तो वैसी ही रही है। हे जग गए तुम तो, पानी वानी चाहिए क्या? कहाँ है हम लोग? स्वर्ग में है, अप्सरा ढूंढ रहा हूँ। गाड़ी रोकना, जरा प्रेशर आया है। रोकना भाई, बहुत जोर से आई है। नहीं नहीं अभी यहाँ पे नहीं है, थोड़ी देर पहले ही गाड़ी रोकी थी टॉयलेट जाने के लिए, अब नहीं रोकने वाला। थोड़ा कंट्रोल कर यार। क्या जॉय, अभी तक तो गहरी नींद में था, अब सीधा प्रेशर आ गया। यार कब से बैठे बैठे बोर हो गया हूँ यार। पूरा रास्ता सोया है तू? कह रहा है बोर हो गया। एक बात पूछूं, हम कहीं स्टे कर सकते हैं क्या? हाँ करते हैं ना। यार कितने प्लान्स बनाए थे हमने। रिसेप्शन के बाद वहीं रुक जाना चाहिए था यार। सोचा था ओवरनाइट स्टे करेंगे, उसने उल्लू बना दिया। अरे उसने पहले ही कहा था ना कि स्टे थोड़ा मुश्किल होगा, फिर क्यों ब्लेम कर रहे हो? ऐसे समय में भी हम शादी अटेंड करके आए ना, रो मत। वो बात नहीं है, हम वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं। इतना लेट तुम घर भी नहीं जा पाओगी। ओवरनाइट स्टे का हमने प्लान तो किया ही था ना, क्या कहती हो? पर सुबह ट्रैवल करेंगे तो अच्छी सीनरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी रात को कौन सा होटल खुला होगा? मिल जाएगा। अबे क्या कर रहा है? सुबह हम जब यहाँ से गए थे तो कुछ रिसोर्ट होम स्टे तो दिख ही रहे थे ना। हाँ 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 तो चलो जाकर चेक करते। ओके चलो। अरे यार बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है भाई। होटल जा रहे हैं, वहीं पे कर लेना। रुक नहीं सकते क्या? हाँ कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगा, मुझे जाना है यार। हमें नहीं रुकना। वैसे पीने पाने के लिए दुकान खुली तो होगी ना? क्यों नहीं, हमने सुबह कितनी सारी गाड़ियां देखी तो थी और बहुत सारे लोग भी थे वहाँ। अब हम स्टे तो कर रहे ना। क्या है अब सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज रात हम स्टे करेंगे और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, तुम और जल्दी। पहले रुकने के लिए जगह तो ढूंढो। सुनो यारों, जरा बाहर देखते रहो, कोई जगह छूट ना जाए। ब्रो जरा तुम भी देखो। अरे राजू तुम भी देखो यार। अच्छा वैसे अभी टूरिस्ट टाइम है तो रूम मिलेगा क्या? तू जब भी मुंह खोलता है बकवास ही करता है। जब देखो ये ऐसा ही करते रहता है। बस करो जॉय। जरा चुप रहना।
ए भाई वो देख कहाँ लेफ्ट में। हाँ देखना उससे पूछे क्या। हाँ जाओ जाके उससे पूछ लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अरे पहले गाड़ी तो पीछे ले। हाँ चलो आ जाओ पीछे। भाई साहब हाँ। ये कॉटेज खुला है क्या। हाँ भाई ये कॉटेज खुला है। अच्छा यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आप लोग कितने लोग हैं। हम पांच लोग हैं। यहाँ कितने रूम्स मिल जाएंगे। अरे सर ये तो विला है। विला बहुत जगह है यहाँ पर। 10 लोग और आ जाएंगे। अच्छा विला है। चलो चलते हैं। ओके बिल्कुल बिल्कुल आइए। हाँ चलो ठीक है ठीक है। आइए 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 ना। ओके हाँ हाँ जगह बहुत अच्छी लग रही है। ये इस जगह का ओनर है क्या। नहीं लगता तो नहीं। शायद केयरटेकर होगा। ओनर जैसा नहीं लग रहा है। जरा पीछे देखना ये वाला गेट ही है क्या। अरे वाह क्या जगह है यार। जगह तो जबरदस्त लग रही है। हाँ देखो ना रुकने में मजा आएगा। सच में बहुत अच्छी जगह है। जल्दी करो मेरा प्रेशर बढ़ते जा रहा है। हमें रास्ता दिखा रहा है ना वो। अरे हाँ भाई अभी आ गया है कर लेना रहा। ध्यान से हाँ। हाँ सुनो कार वहाँ तक जाएगी ना। अरे हाँ ना जाएगी यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और 2 मिनट रोक ले। इतना पानी पीता ही कि मैं तू। यार चलो पहुंच। आओ आओ बाथरूम किधर है। अंदर ही है मैं खोलता हूँ। अरे उतना टाइम नहीं है बाहर ही कर लेता हूँ। हाँ तो चले जाइए वहाँ पर पीछे। वहाँ जानवर तो नहीं आएंगे ना। नहीं नहीं और अगर कोई आया भी तो कुछ नहीं करेगा। वाह क्या जगह है यार। बहुत अच्छी ठंड है ना। अबे यार लग रही है क्या बात है ठंड में पीने का मजा ही आ जाएगा। अच्छा तो तुम लोग यहाँ पीने आए हो। मैंने कहा था जगह अच्छी है पीना जरूरी नहीं है। ओहो वहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हैं। आइए ना अंदर आइए। हाँ हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। चलो तुम जाकर देख लो। ठीक है तो तुम में से किसी को नहीं देखना है ना। हम तो यहाँ भी मस्त है। हाँ पता ही तुम था। जाओ। हाँ हाँ आइए यहाँ तो काफी मजा आ रहा है। ये ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आइए ये देखिए कैसा लगा आपको। अच्छा लग रहा है ना। देखिए ये बैठक है यहाँ पर आप सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं। क्यों ठीक है ना। अच्छा है। और वो किचन अच्छा वहाँ बहुत साफ सुथरा है। आइए ना आइए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको। बहुत कुछ देखना है अभी आपको। आइए ये देखिए ऊपर आइए देखिए ना ये बेडरूम है और ये दूसरा रूम। गरम पानी मिलेगा ना। गरम पानी हाँ है ना। हाँ बस नल को जरा सा लेफ्ट घुमाइए गरम पानी और राइट घुमाएंगे तो ठंडा पानी और बीच में रखेंगे तो दोनों का मिक्स मिलेगा। बस एंजॉय कीजिए। हाँ बहुत फनी है। हाँ तो जाइए और अपने दोस्तों को बुलाइए उनसे कहिए यहीं स्टे करेंगे। चलिए भाई नैना पीने तो देगी ना। कितनी ठंड है यहाँ। ये भी कोई ठंड है। 2 महीने बाद यहाँ कड़ाके की ठंड होगी। और इससे भी ज्यादा। कैसी लगी जगह। सुपर अच्छी है ना। एकदम बढ़िया। बताइए आपको पसंद आई कि नहीं। बहुत अच्छी है। अच्छी है ना। बहुत अच्छी जगह है। इसके चार्जेस क्या होंगे। चार्ज हाँ डिस्काउंट के साथ। बस आज रात को यहाँ रुकना है या कल भी रुकना। अरे नहीं 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 कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। हाँ वही तो सुबह निकल जाएंगे। हाँ ठीक है ये बात है तो जाने से पहले मुझे भी कुछ दे देना। देखिए यहाँ पर किचन बहुत अच्छा है जाकर देख लीजिए।
और वहाँ ब्रेड और अंडे भी रखे हुए हैं। सुबह आप अंडे की भुर्जी या ऑमलेट जो भी चाहे बना के खा सकते हैं। अच्छा डिनर किया कि नहीं? हाँ डिनर कर लिया। नहीं नहीं मुझे भूख लगी है। अरे कैसा आदमी है यार, खाता है और बस सोता है। मुंह के सब बाहर निकाल दिया क्या? आप तो फ्रेश हो गए ना? फ्रेश हो गया। अंदर बहुत जगह है। वैसे यहाँ काम के लिए एक लड़का रखा हुआ है, वो बीमार है इसलिए आज नहीं आया। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। यही पास में एक ढाबा है, वहाँ खाना अच्छा मिलता है। तो हम लोग रुक रहे हैं ना? पराठे तो ठीक है, लेकिन चिकन स्टार्टर्स कुछ मिलेगा क्या वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत छोटी जगह है। अबे यहाँ जंगल में कहाँ मिलेगा, चुप कर। यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा तो क्या हमें अच्छी सी बिरयानी मिल जाएगी? हाँ ये तो मिल सकता है, देखता हूँ मैं लेकर आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, पर आपके ये बैग अंदर कौन ले जाएगा? अरे वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी, हम लोग खुद ले जाएंगे। हाँ अच्छा मैडम, आप जरा तब तक इन लोगों को कॉफी पिला दीजिए। आपका ही घर, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ओके चलो लगेज लेकर आते हैं। चलो ए आलसी, तू भी चल साथ में। मैंने कहा था ना अच्छी जगह ही। मुझे तो ये जगह देखते ही पसंद आ गई थी। मेरे साथ तो तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। ऐसा नहीं है, ये मौसम बहुत अच्छा है। हाँ रहने। अरे भाई क्या हुआ? अरे हा? क्या बकरा ये? नहीं वीरा वाला पैसा बहुत मांगेगा। कौन? वो केयरटेकर। अरे वो केयरटेकर तो बस यहाँ की देखभाल करता है यार, वो ओनर थोड़ी है जो ज्यादा पैसे मांगेगा। और जब हमने कहा कि सुबह निकल जाएंगे तो कितना खुश हो गया था ना? वही तो, पैसे खुद ही रखता होगा। हाँ हो सकता है। हाँ ये बात पक्की है, वो अपने जेब में ही रखेगा। वैसे तुम थे कहाँ? अब तुम कहाँ जा रहे हो? भाई बाथरूम कहाँ है? यार इसके लिए बाथरूम में बिस्तर भिजवा दो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा पेट खराब नहीं है क्या? नहीं तो। मुझे लगता है रिसेप्शन वाला चिकन नहीं खाना चाहिए था। इसने तो तेरे से भी ज्यादा खाया लेकिन फिर भी ठीक। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। सुनो ना, हम भी ऐसा एक विला खरीद ले क्या? अबे हटते हैं यार। हाँ क्यों नहीं, अच्छा रहेगा ना। मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया। क्या? ऐसा विला खरीदने के लिए। पर यहाँ पर नहीं, पता है कहाँ पर? अमेरिका में। मैं मजाक नहीं कर रही। पर मैं तो कर रहा हूँ ना। अब तो सुधर जा, क्या जागते रहते? क्या हुआ? अरे रिसेप्शन की बात कर रहे। कुछ नहीं। अच्छा पबजी खेलने और तुम लोगों ने मुझे आइसक्रीम भी खाने नहीं दी। इसने इसकी आइसक्रीम पर पानी डाल दिया था पता है, इसलिए गुस्से में है। अरे इसका ऐसा ही है, जहाँ जाता है ना बस मस्ती करता रहता है। पता है इसने किसी और का केला खा लिया था? एक ही तो खाया था। वो जिसका केला था ना वो आकर बहुत मारता है इसे। तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, क्या तुम उसे संभाल नहीं सकते थे? इसका तो यही है, खुद को हट्टा कट्टा समझता है और कोई आए तो डर के भाग जाता है। मैं खाने में बिजी था, नहीं तो मैं भी उसे अच्छे से सबक सिखा था। ये बुड्ढा हर फोटो में दिख रहा है, ये है कौन? वाह जरा इसे देखो, अकेले अकेले चाय पी रहा है ये, है ना? बढ़िया फोटो आया है। नैना सुनो ना, एक कप कड़क चाय पिलाओ ना प्लीज। प्लीज नैना। ए नैना बनाओगी तो थोड़ी सी चाय मुझे भी दे, और मेरे लिए ब्लैक टी बना देना। तू यहाँ कैसे आ गया? है जिसे नहीं चाहिए। लेकिन ये तो अभी अभी क्या हुआ? क्या हुआ? तू तो अभी अभी चाय पी रहा था ना वहाँ पर। मैं बाथरूम गया था और तुम लोग चाय की बात कर रहे थे इसीलिए मैं जल्दी बाहर आ गया। तुमने इसे नहीं देखा क्या? नहीं तो। सही बोला ना, ठीक से देखना क्या चल रहा है। क्या हुआ? तुमने सच में नहीं देखा? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। अरे नहीं यार, मैं अभी चाय बनाती हूँ, तुम बैठो। ठीक है। अब बच्चे भी अपने कमेंट्स डालेंगे, शुक्र है इंस्टा पर तो नहीं है। मेरे पीछे क्या बुराई कर रहे थे तुम लोग? यार ये बताओ इसकी रीच कैसे बढ़ा है, इस पर तो कमेंट ही नहीं आ रहे। क्या कमेंट्स आएंगे तो ही पता चलेगा ना सामने वाला क्या सोच रहा है। भाई मैं जरा चेंज करके आता हूँ। मैं तो कपड़े लाया नहीं हूँ, जाओ तुम बदल लो। ऊपर से इसे नॉन वेज खाना था, बताओ तुम नहीं आओगे क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है। हेलो। अरे क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा तुम फ्री हो ना? हाँ। तो मेरे पास एक काम है। क्या काम? ये सारे ग्लास धो दो प्लीज। ठीक है आओ। हेलो चाय तैयार हो गई? अभी तक नहीं हुई? तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, ग्लास धोने को कहा था ना। अरे तो प्यार से बोलो ना, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तक कभी मेरी बात सुनी है क्या?
कल सुबह ऑफिस जाना है यार, रात भर सोएंगे नहीं तो दिन भर ऑफिस में सोने का मन करेगा। यहाँ काफी ठंड है ना? सही कह रहा है यार। सिगरेट है क्या तेरे पास? देना। नीतीश के पास होगी। ठीक है लेके। नीतीश। आप बोल भाई। सिगरेट है क्या? हाँ शायद एक आध दो तो होनी ही चाहिए। तू जाना रूम में पड़ी है, जाके ले ले, पैंट की पॉकेट में होगी। सुनना तू जाके ले आना। अरे नहीं यार, तू जाकर लेकर आ। तुमने कहा था तुम छोड़ दोगे। अरे हाँ ना, मैंने छोड़ दिया है, वो तो मैं इन लोगों के लिए लेकर आया हूँ सच में। तो तुमने पी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत ठंड लग रही है, अगर एक कंबल मिल जाए तो मस्त सो जाऊंगा। देखो देखो मैं कह रही हूँ सोना मत, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। बहुत नींद आ रही है यार। हाँ? यार हाँ। पानी कितना ठंडा है अंदर। सच में? गरम गरम चाय। यार ठंड तो बहुत है। जॉय को सोने का बहाना मिल गया। यहाँ चुपचाप बैठा क्यों है? तो क्या करूँ, कुछ करना था क्या? सिगरेट लाने गया था ना। क्या सिगरेट? आखिरी वाली तो मैंने टॉयलेट में खत्म कर दी। खत्म कर दी? तुम्हारे पास और है क्या? और नहीं है, जा खरीद के ला। लेकिन इस समय कोई पान पट्टी खुली होगी क्या? उन्हें खत्म किए तो तू ही जाके लाएगा, मुझे नहीं पता। अरे कॉल करके मंगा लो। किसी के फोन में सिग्नल है, कॉल करके देखो। VSNL में नेटवर्क आ रहा होगा, किसी के पास है? नहीं। हाँ, आप क्या? एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आओ, हम दुकान ढूंढते हैं। मिल गए तो पीने में मजा आ जाएगा। क्या कहा? कुछ नहीं। तुम लोगों ने पीने का प्लान बनाया है, नीतीश कल सुबह जल्दी नहीं उठे ना तो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह टाइम पे छोड़ दूंगा। एक काम करो तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आ रहा, ड्राइव करने का मूड नहीं है। तुम आ रहे हो ना? तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पूरे सफर में सोता ही आया है और अब भी कह रहा है सोना है। जाओ यार। वाह, ये आदमी सुकून से चाय भी नहीं पीने देता। वापस आएंगे तो पी लेना। अरे मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बताओ तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? इसमें छुपाना क्या है, सब दोस्तों के साथ आए हैं। सुन भाई, गाड़ी तू चलाएगा, मैं नहीं। छोड़ो ना बेबी, इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा नहीं हूँ मैं। कहा ना सुबह तुम्हें टाइम पे छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। रहने ही दो, सुबह होते ही हम सब यहाँ से पक्का निकल जाएंगे, ट्रस्ट मी। क्या हो रहा है? क्या? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? वो सब लोग तो अब पीने में बिजी होने वाले हैं। अच्छा, बस वो लोग है ना? मुझे नहीं पसंद ये शराब वाला। पता है पता है। मैंने सोचा तुम्हें शराब पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं पीऊंगा। आज इतने स्वीट क्यों हो रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हूँ इतना स्वीट, तुम चाहो तो टेस्ट करके देख सकती हो। ओहो। हाँ और क्या? और क्या, गर्मी बहुत है नहीं? हाँ गर्मी, मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ? क्या बात है, मूड बहुत अच्छा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, कुछ बोलो ना। और तुम बोलो, मैं क्या? मैं क्या बोलू? ऐसे ही। ऐसे ही क्या? नहीं। क्या नहीं? जब से यहाँ रुकने की बात हुई है तब से तुम हंस रहे हो। तुम भी तो हंस रही थी। मैं नहीं हंस रही थी। अच्छा तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ और बयां कर रही है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? नैना ये कौन है? नैना ये है कौन? कौन है? कौन है ये? कौन है? कौन है तू? मेरे जैसा दिख रहा है, कौन है तू? तू कौन है? हाँ? कौन है? जॉय! कौन है तू? कुछ तो गड़बड़ है। नैना इससे दूर हो जाओ, ये कोई और है। मैं असली हूँ, मैं असली हूँ नैना। नहीं नैना उससे दूर रहो, ये नकली है। मैं असली हूँ नैना, मैं असली हूँ नैना। नैना यहाँ हूँ, मेरी बात सुनो नैना। नैना नैना उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना। नैना 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 मैं असली हूँ, ये नकली है नैना। नैना मेरी बात सुनो नैना, मैं सच कह रहा हूँ, ये नकली है नैना। हाँ नैना नैना देखो नैना नैना नैना
नैना, ये कौन है? मेरे जैसा दिखता है? कौन है ये? कुछ नहीं, आजा, चलो आजा, उठो नैना, मैं असली हूँ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। जॉय, चलो नैना, आ जाओ, चलो, मेरा यकीन करो, मैं असली हूँ, प्लीज। याद है चर्च में मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? हम दोनों ने शादी में जाने का प्लान किया था। ये कौन है मैं नहीं जानता। चलो चलो यहाँ से, आ जाओ, चलो चलो नैना, आ जाओ, घबराओ मत, चलो चलो, मेरी बात सुनो, चलो ना, आ जाओ, चलो, तुम जाओ, जॉय उठ जा, चलो नैना। जॉय, हे जॉय, उठना मेरे भाई। क्या हुआ? अरे ऊपर बहुत बड़ा कांड हुआ है। क्या हुआ? मेरा हमशक्ल है ऊपर, उसने कपड़े भी मेरी तरह पहने हैं भाई। तुम रो क्यों रही हो? देखो कितनी डर गई। चलो देखते हैं। तू जा ऊपर, जाके देख। अकेले नहीं जाऊंगा। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, तुम भी चलो। अच्छा चलना यार। अरे यहाँ कोई नहीं है। कुछ भी बकता है क्या? अच्छा कोई नहीं है यहाँ पर। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे कोई नहीं है कमरे में। पर वो था जो है, हम सच कह रहे, बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा था। तो फिर कहाँ है? उसके सिर पर चोट लगी थी, जमीन पर पड़ा हुआ था। तो कहाँ गया? नाटक मत करो यार। जो है, हम सच कह रहे। झूठ मत बोलो। अरे भाई तेरे से झूठ क्यों बोलेंगे हम लोग? भूत या कुछ तो था वहाँ पर यार, यकीन कर, हम दोनों कह रहे हैं ना। क्या हुआ? इन लोगों को कमरे में नितेश जैसा भूत दिखाई दिया। नितेश जैसा? हाँ। यहाँ पर? हाँ। क्या कह रहे हो? अरे ये लोग कह रहे हैं कि भूत नितेश की तरह दिख रहा था। भूत? हाँ हाँ यार, मैंने मेरे जैसा ही एक आदमी देखा। ये तुम्हारा भ्रम है भाई। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा, वो उस रूम में था। अरे यार मैंने खुद देखा, वहाँ भूत वूत कोई नहीं था भाई। सच में अगर भूत हुआ तो? मुझे डराना बंद करो, ठीक है? देखो हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें निकलना चाहिए। पहले उस केयर टेकर को तो आने दो। अरे इसके लिए नॉनवेज लाने के चक्कर में उसे देर हो गई होगी। अरे भूख लगी थी भाई। चुप कर। और तुम लोगों को भ्रम हुआ होगा। अरे हम पागल है क्या कि भ्रम हो जाएगा? दोनों को एक ही जैसा भ्रम होगा। नितेश चलो और मेरे साथ सामान पैक करो। चलो नितेश, चलो चलो आ जाओ। अब तुम लोगों को मजा आ रहा है ना? चुपचाप घर चले जाते, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। यार यहाँ स्टे करने के लिए इसी ने तो कहा था ना, लड़कियों को साथ में ट्रिप पे लाना ही नहीं चाहिए। दोनों पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं सो रहा हूँ। तुम मेरे साथ ऊपर चलो, हम चेक करते हैं। हाँ अरे रूम में चेक करते हैं यार। 2901701 पर। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग से कैंसर का खतरा होता है, स्मोकिंग से मौत हो सकती है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। कहाँ था? वहां उस कॉर्नर में बेड के पीछे। आ जाओ। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहीं पर पड़ा हुआ था, सिर से खून भी निकल रहा था। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है बे, तुम लोगों को भ्रम हुआ होगा। हम रूम से बाहर निकले, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया वो। दो मुझे।
यार कोई भी तो नहीं है यार, फिर भी बोल ले कि कोई था, कोई दिख भी नहीं रहा है। सही में भाई वहां कुछ भी नहीं है। अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम लोगों को? कुछ देर आराम करते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। अब तक तो पीना शुरू भी नहीं किया। अरे चुप कर यार। मैं ना यहाँ बस दारू पीने के लिए रुके थे ना। अरे धीरे बोलो यार, वो लोग सुन लेंगे। तो सुनने दो। देखो हम लोगों ने तुमसे पूछा था ना, देर हो रही थी इसलिए यहाँ पर रुक गए। कहाँ फंस गए? नैना प्लीज तुम ऐसे रो मत। बहुत देर हो गई, अभी तक वो आया क्यों नहीं? अच्छा राजीव, यहाँ सच में कोई भूत है क्या? पागल हो गए हो क्या? अरे दोनों का दिमाग खराब हो गया है। हे, हाँ मुझे भी अब डर लगने लगा है भाई। पर क्यों? ऑमलेट खाओगे क्या? राजीव कांदा काटो ना, ये लो, ये भी ले लो। नैना मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं यहाँ नहीं रुक सकती, प्लीज। लेकिन हम इतनी रात को यहाँ से कैसे जाएंगे? बारी बारी से ड्राइव कर लेंगे, हम सबको ड्राइविंग आती है ना, क्या प्रॉब्लम है? नीतीश प्लीज चलो ना यहाँ से। एक बार तुम उस केयरटेकर को आने दोगे? उसका इंतजार क्यों करना, हम चलते हैं ना, प्लीज। पर बाकी लोग उनको कैसे समझाएंगे, उन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं। वो तुम्हारी बात मानेंगे, एक बार कह के तो देखो। नितेश किचन में वो नितेश क्या हुआ? नीचे जल्दी आ, यहाँ कोई है राजीव जैसा। तू तुझे भी दिखा, जल्दी आ। वो अंदर किचन में वो नितेश। चलो सब लोग चलकर देखते हैं। तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? देखो ना, जाओ चेक करो, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। अंदर तुम लोग बस मुझे डरा रहे हो। जाओ देखो टेबल के पास, तुम लोग भी चेक करो।
अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस मुझे डरा रहे हो। नाटक मत करो यार, मुझे डराने में बड़ा मजा आ रहा है ना भाई। हाँ बोलो। तुझे लगता है मैं तुझे डराऊंगा? वहाँ मैंने देखा कुछ नहीं है। हम सब लोग डर गए हैं भाई। सुनो ना, चलो ना, प्लीज चलते हैं यहाँ से, प्लीज चलो ना। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से जाना होगा जल्दी। Damn it. यार तुम लोग तो डुप्लीकेट नहीं हो ना? क्या तो क्या? अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हम दोनों साथ में ही तो नहीं चाहे थे। अरे यार मेरा क्रॉस। पागल हो गई हो क्या? अभी अंदर हम दोनों साथ में बैठे हुए थे ना, मैंने कुछ किया क्या तुम्हें? बोलो। सही कह रही है, हम सबको कुछ नहीं हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर मुझे क्यों डरा रहे हो बेकार में? ये सब मत करो। भूत तो अक्सर लड़कियों में होता है ना, सही कहा ना? अरे ये मजाक का वक्त है क्या? सुनो ना, प्लीज यहाँ से चलो प्लीज। और वो केयरटेकर का क्या? अरे केयरटेकर को बताएंगे क्या भाई? हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है तो बोलेंगे क्या? अरे लेकिन हमारे जैसे दिखने वाले लोग जो हुआ है वो बताएंगे उसे। भूत होता तो हमें अभी तक नुकसान पहुंचा देता। नैना तुम हमसे क्यों डर रही हो? हम भी तो तुमसे डर सकते हैं ना। देखो अभी तक हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बैठो। नीतीश क्या हो गया? मैं भी आ रहा हूं। नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा, कोई साथ होगा तो हमशक्ल आ जाएगा ना। मैं अकेले ही जा रहा हूं, ठीक है? ये जिंदा तो वापस आएगा ना? अगर वो नहीं आया तो क्या? ये तो बच गया। सुनो मुझे कंपनी दो ना। मैं नहीं आऊंगा, हर बार मुझे ही क्यों साथ लेकर जाता है? हाँ तुम भी तो लेकर जाते हो ना। अकेले जा। अरे कोई तो आओ ना मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगा। टेंशन मत ले, मैं चलता हूँ तेरे साथ। सुनो अंदर कोई है क्या? जाओ खुद देख लो। भाई तेरे हाथ में चाकू क्यों है? अगर वहां भूत आ गया तो? हाँ? राजीव एक सिगरेट दे मुझे। यहाँ नहीं पी सकता क्या? चल बे। थैंक यू भाई। अरे मैं हूं मेरे भाई। सिगरेट ले। अरे मैं हूं यार, ला सिगरेट दे। अरे अभी वो नकली है। अरे मैं असली हूं यार, तेरे सामने ही तो टॉयलेट गया था और तेरे सामने ही मैं बाहर आया था। मेरे पास चाकू भी है, मार दे इसे। ये ले, मार दे। अरे वो नकली है उसे मार। अरे चाकू मैंने दिया ना उसे, मार। क्या कर रहा है, मार उसे, मार ना। चल घर देखते हैं ना। अरे मैं असली हूं, उसे मार। मैं खाना मार उसे, मार। कैटे करा के आप सब लोग कहां हैं? चल चल मार उसे, मार। मैं असली हूं, मार ना अभी, मार उसे। अरे कोई है क्या? मार, मैं असली हूं। हां वो नकली है, मार उसे। Oh!
क्या बात है, साफ साफ बताओ। अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ बताओगे भी, यूं ही बकवास किया जा रहा है। अंदर तो चलिए, अंदर चलकर देख। अरे पहले ठीक से बताओ तो, अंदर कोई भूत है? भूत को देखा क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा, इन लोगों ने देखा। हाँ देखा, हमारी बात पर यकीन कीजिए। अपनी आंखों से भूत को देखा? वो मेरी तरह ही दिखता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल मेरी तरह ही इंसान को देखा। वो भूत है और कोई नहीं हो सकता। अब चलिए अंदर देख लीजिए, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। चलिए चलिए, लोगों को डराने की कोशिश मत करो, यहाँ कोई भूत भूत नहीं रहता, सब की जान खतरे है। अरे मैं यहाँ कब से रहता हूँ, भूत नहीं रहता है, मुझे पता है। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ है जो आप छुपा रहे हमसे, कुछ नहीं है, सब पता है। हम फंस गए, बकवास कर रहे हो, नहीं आते तो ही अच्छा होता, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसके की बात की और पता नहीं ये सब क्या हो गया हमारे साथ। चलकर खाना खा लो। आप हमारे लिए खाना लेने गए थे, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। आप एक बार अंदर चल के क्यों नहीं देखते? वो लोग बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं, एक दूसरे की तरह। नैना, नैना, नैना कहाँ हो तुम? जाओ उधर देखो, उस कमरे में देखो, नैना, उस कमरे में देखो ना, मैं देखता हूँ। ए, कौन है वहाँ? कोई है तो सामने आओ। मैं जाकर किचन में देखता हूँ। मैंने वहाँ चेक कर लिया है। नैना, एक काम कर, तू बाथरूम में चेक कर। नैना, 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 नैना। अंदर चलिए ना, प्लीज चलिए, देखिए। अरे अंदर जाकर क्या देखूं, मैं वही रहता हूँ। यहाँ पर खड़े रहकर कुछ नहीं होने वाला, आप अंदर चलिए हमारे साथ। मेरी बात समझिए। क्या समझना है इसमें, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, बस एक बार अंदर चल के देखिए। अरे पर क्यों जाऊं मैं अंदर? ऊपर वाले के लिए चलिए ना एक बार। अरे लेकिन क्यों, बताओ तो सही। मैं नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लीज हमारी बात का विश्वास कीजिए। आपने सुना ना, यहाँ अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती है। ए, कौन है वहाँ? अजीब अंदर आओ, फंसे हुए। नैना मुझे मिल नहीं रही है, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नैना कहाँ हो तुम? ए, क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे सुनो तो, क्या हुआ? अरे बात क्या है बेटी? जल्दी से अंदर बैठिए, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं जा सकती, हमें अकेले छोड़ो, तुम नैना।
आखिर बात क्या है? बेटी तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ? उन लोगों ने तुम्हारे तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? बोलो बेटी, रो मत। बेटी क्या हुआ बताओ तो सही, बताओ ना बेटी क्या हुआ, मुझे बता सकती हो तुम? बोलो। आपकी जीप कहाँ है? कौन सी जीप? वो तो रास्ते में खराब हो गई थी। रास्ते में वही रास्ते में खड़ी करके आ गया। एक काम करो, मुझे मेरी जीप तक ले चलो। चलो रो मत। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन तो बहुत दूर है। कहाँ है? सीधा यहाँ से सीधे चलो। सीधा जाना, एकदम सीधे सीधे चलो। सर। हाँ बोलो। इसे मैं अभी हटा देता हूँ सर। क्या हो गया था? कुछ नहीं सर, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ी सी सर्दी खांसी लग गई थी, इसी वजह से वो। कोई बात नहीं, ठीक है सर। तुम उसका ख्याल रखो, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल रखूंगा। हाँ थोड़ा काढ़ा बनाकर पिलाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ टेंशन की कोई बात नहीं सर। हाँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा सर। वैसे गेस्ट आने शुरू हो गए क्या? अभी तक शुरू हुए नहीं। अच्छा ठीक है, फोन उठाओ। मेरी बीवी का कॉल है सर। हाँ उठाओ। हेलो, क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? तुम कोई दवाई दे दो उसे। मैं इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा, बहुत दूर हूँ तुमसे। अब तुम फोन रखो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ यहाँ सफाई करवानी होगी सर। बोलो। मैं अगर बाद में आकर सफाई कर दूं तो? हाँ वो जरा बच्ची की तबीयत खराब हो गई। हाँ जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक है? हाँ मैं आके सफाई कर दूंगा। हाँ, सर हाँ। आप बच्ची के लिए प्रे करना सर। सुनिए जी, क्या हुआ? ये तो अपनी आंखें घुमा रही है। सुनो ऐसे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी दूर है, डॉक्टर के पास चल रहे हैं ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। अरे तुम इसे इनहेलर क्यों नहीं दे रही हो? वो भी तो नहीं खरीदा है ना। अब क्या करूं? देखो तुम प्रार्थना करो भगवान से, इसे कुछ नहीं होगा। छूकर देखो कहीं इसके हाथ ठंडे तो नहीं है ना। रुको, तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए? सुनिए मेरी बेटी की सांस रुक रही है, डॉक्टर साहब हैं क्या? कहाँ है आपकी बेटी? हाँ वो गाड़ी में है। क्या उसे बहुत बुखार है? हाँ उसे तेज बुखार है। अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। आपको पता नहीं है क्या, तेज बुखार हो तो आपको पहले हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करके आना चाहिए। मैडम वो सांस नहीं ले पा रही थी, उसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है अब साइड हो जाइए। ऐसा मत कीजिए सिस्टर, एक बार उसे देख तो लीजिए। अक्सर उसे अस्थमा का अटैक आता रहता है, उसका शरीर भी ठंडा हो गया है, पहले उसे देख तो लीजिए एक बार। देख तो लीजिए उसे। देख भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, उसके टेस्ट करने होंगे। और हमारे यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, मैं एम्बुलेंस बुला देती हूँ, तब तक डॉक्टर के आने का वेट कीजिए। कुछ कीजिए ना मैडम। हाँ। अच्छा बेटा अच्छा बेटा अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं होगा बेटा तुझे, तू यहीं पर आराम कर। मैं आती हूँ।
सिस्टर देखिए ना, अगर आप कुछ कर सके तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। सुनिए जी, क्या हुआ? उसकी हालत खराब होती जा रही है, आप आइए ना सिस्टर। तुम उसके पास आओ। सिस्टर मैं कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर आने का वेट कीजिए, कुछ नहीं होगा उसे, डॉक्टर आती ही होंगी। डॉक्टर मैडम कब आएंगी? चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे। क्या हुआ बेटी? सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करें, कोई आ भी नहीं रहा है। ओ भाई साहब, इस तरफ से आओ। सुनिए जी, इसे देखिए ना। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? उन्हें बोलिए इसे देखने के लिए, कब तक हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे बेटा? बेटा अभी देखता हूँ। अरे ए, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? फिर से वो आ रहा है, रवि गेट बंद करो। यस मैडम। सर रुकिए प्लीज, सर एक बार मुझे बात करने दीजिए। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर से कहिए एक बार उसे देख ले, अगर वो एक बार देख लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। प्लीज उनसे कहिए ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, बच्ची को कुछ हो ना जाए सर, प्लीज बोलिए ना। एम्बुलेंस आती ही होगी, तब तक मैं अपनी बच्ची को कैसे संभालूंगा बताइए, बस एक बार देख लीजिए ना प्लीज सिस्टर, उनसे बोलिए ना एक बार चल के देख ले मेरी बच्ची को। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना सीरियस केस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है। तो फिर यहाँ बोर्ड पे हॉस्पिटल क्यों लिखा हुआ है? क्या है ये सब? चिल्ला मत, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। हमें धमकी मत दो नहीं तो पुलिस को फोन करूंगा। तो बोला पुलिस को, चल जल्दी बोला ना, पुलिस की धमकी देता है, चल जल्दी बोला। देखिए ऐसा मत बोला, बोला पुलिस को। गुंडागर्दी करने से कुछ भी नहीं होने वाला, इससे सिर्फ आपका नुकसान है, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भी दो बच्चे हैं, और कोई उपाय सोचिए प्लीज, जाइए यहाँ से प्लीज। देख लीजिए ना सिस्टर, मेरी बच्ची बहुत बीमार है सिस्टर। आप प्लीज वेट कीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, एम्बुलेंस बस आती ही होगी। रवि गेट खोलो। अच्छा मैम। चलो सब साइड में हो जाओ, कोई भी गेट के पास नहीं जाएगा। सिस्टर कुछ कर सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं, पता करो कि एम्बुलेंस कहाँ पर है। सुनिए आप उनसे जाके मिलिए, शायद वो आपकी मदद करें। चाहिए वो मेरी मदद करेंगी? डॉक्टर वो लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। तुमने देखा? नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखा। नहीं तो हम लोग यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हैं? मैडम बैग, आप ग्लव्स लाके दीजिए। हमने एम्बुलेंस को फोन किया था पर वो भी अभी तक नहीं आई है, हम आपका ही वेट कर रहे थे। कम से कम तुम चेक तो कर सकती थी। हमने सोचा कि आप आएंगे तो उसे। कितने दिन से बुखार है इसे? तुम पीछे हटो। मैडम एक दो दिन से बहुत तेज बुखार है, अब हालत ज्यादा खराब हो गई। सांस लेने में भी तकलीफ है? हाँ ऐसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, जब भी सर्दी का मौसम आता है तो इसकी हालत ज्यादा बिगड़ जाती है। आपने कोई दवाई दी इसे? बस काढ़ा पिलाया था, इसे कुछ और दिया क्या? और कुछ तो नहीं दिया। मैडम एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, जाके इनहेलर लेके आइए। हाँ डरने की कोई बात नहीं बेटा, चलो अब इस तरफ घूम जाओ। मंजू एक इनहेलर लगा दो और पीसीएम इंजेक्शन, ओके? इसे दो बार इनहेलर देना होगा, एक इंजेक्शन मैं अभी दे देती हूँ, इसे खूब सारा पानी पिलाइए और अच्छे से ख्याल रखिए। मैडम ये रहा इनहेलर, ये उनको दे दीजिए। ये लो रखो। देखिए
अब एम्बुलेंस का वेट मत कीजिए, यहाँ से सीधे सिटी हॉस्पिटल जाइए, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। हाँ। घबराइए मत। डॉक्टर देखिए, रास्ते में किसी भी काम के लिए रुकिएगा मत, और किसी से बात भी मत कीजिए, देर करेंगे तो रिस्क बढ़ेगा, सीधे हॉस्पिटल जाइए, समझ गए ना? जी डॉक्टर। पानी पी ले बेटा, और कितनी दूर है जी? क्यों, ठीक है ना? आप जरा थोड़ा तेज चलाइए ना। बस थोड़ी दूर और, तुम अच्छे से संभालो उसे। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, देखिए ना इसे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। आँख खोल बेटी, क्या हुआ तुझे? आँख खोलना बेटा। बेटी क्या हुआ? बेटी क्या हुआ? हे भगवान, क्या हो बेटी? गया इसे? नहीं देखिए ना इसे क्या हो गया? आंखें खोलो बेटी। ओ मेरे बच्चे, मेरे बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हो गया इसे? बेटी आंख खोलो, देखिए आंख खोलो बेटी, मैं समझ करो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं रही है बेटा? क्या हुआ तुझे? मेरे बच्चे, बेटा कुछ तो बोल ना। ए बेटा, बेटी कुछ तो बोल, मेरे बच्चे आंख खोल। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सामने से एक और आ रहा है, इसकी तो मैम। जब तक इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे ना, सुधरेंगे नहीं। यार उसमें लोग बैठे हुए थे। Huh?
बेटी बेटी देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, एम्बुलेंस को फोन करते हैं। अरे आप ठीक तो है? क्या हुआ, क्या हुआ इन्हें? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? बेहोश हो गए। बेटी आ, 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 आ,
बस यही वहां पर मेरी जीप है, आप मुझे यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। अब आप जा सकती हैं मैडम। अरे ये तो वही जीप है जो हमें सुबह मिली थी। हाँ सेबेस्टियन की जीप होगी, इसी रंग की है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं यहीं उतर जाता हूँ। आपने तो कहा था कि गाड़ी खराब हो गई है, पर ये तो एक्सीडेंट जैसा लग रहा है। वो क्या है ना कि रोड पतली है तो साइड में लगा दिया था, इसीलिए। क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन आएंगे? हाँ बिल्कुल चलूंगा, चलो चलता हूँ। Thank you.